नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। संकट मोचन हनुमान मंदिर में मूर्ति तोड़फोड़ में गिरफ्तारी न होने पर दिया धरना। कन्नौज जनपद के कचहरी गेट के बाहर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। एक सप्ताह पूर्व ईद के त्यौहार पर ही कुछ अराजक तत्वों द्वारा मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई थी। संकट मोचन हनुमान मंदिर में अराजक तत्वों द्वारा मंदिर में अराजकता फैलाई गई थी। कुछ संगठनों द्वारा कोतवाली कन्नौज में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस द्वारा कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसको लेकर योगी सेना कन्नौज के पदाधिकारियों ने मंदिर परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। योगी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन पांडे के निर्देशन में कन्नौज जिला अध्यक्ष गोपाल पांडे ने धरना प्रदर्शन किया। सामाजिक दूरी कोरोना प्रोटोकॉल को नजर में रखते हुए धरना दिया। जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, मंदिर परिसर में हुई तोड़फोड़ को लेकर धरना दिया गया। अज्ञात लोगों के खिलाफ वीयू जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक यह धरना जारी रहेगा। उन्होंने बताया, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है वह पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कन्नौज से राजू वर्मा की रिपोर्ट। मतलब ये है कि आज से 8 दिन पूर्व ईद और ईद की दोपहर में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ की गई। उसको लेकर के हमारे सहयोगी संगठन और हम सभी लोगों ने FIR दर्ज कराई थी, लेकिन आज 7 दिन हो गए हैं और अभी तक पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित भी नहीं कर पाई है जिन लोगों ने कुकृत्य को अंजाम देने का काम किया। तो इससे हताहत होकर के आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं कि शायद प्रशासन अब जागे और थोड़ी तत्परता के साथ इस पर कोई कार्रवाई कर सके, जिससे ऐसी विरोधी मानसिकता पर अंकुश लगाया जा सके और शांति सद्भाव नगर का बना रहे। कहाँ पे मंदिर बनाया? ये मंदिर जनपद न्यायालय गेट के ठीक बाहर पंजाब नेशनल बैंक के पास में बना हुआ मंदिर। कौन सी मूर्ति थी तोड़ने में? श्री बजरंग बली की मूर्ति थी। संकट मोचन हनुमान मंदिर नाम से ये मंदिर है, जो कि न्यायालय के द्वारा ही संचालित किया जाता है। आपका नाम आपके संगठन से? मैं गोपाल पांडे, योगी सेना से जिला अध्यक्ष हूँ। क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल जो है उसको भी ध्यान में रखना है, तो इसी के तहत हम लोग संगठन के 4 लोगों के साथ धरने पर बैठे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।